छोटी छोटी टिप्स जिनका ध्यान रखकर खाने को बना सकते हैं स्वादिष्ट और फटाफट। ये बात काफी हद तक सच है कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। किसी के दिल तक पहुंचने के लिए महंगे गिफ्ट्स और सरप्राइज देने से कहीं ज्यादा असरदार होगा आप उसकी पसंद का खाना बनाकर खिला दें। हालांकि कुकिंग इतना आसान भी नहीं है, कभी खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो कभी लाल मिर्च, तो कभी सब्जी बनाते वक्त आलू ही नहीं पकता। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन ना मिलने पर कुकिंग एक टास्क लगने लगती है। किचन के काम को आसान बनाने और खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ दिए गए टिप्स हो सकते हैं आपके लिए बहुत ही मददगार। किचन का काम करते वक्त ऐसी कई समस्याएं आती हैं जिसका सॉल्यूशन ही समझ नहीं आता। ऐसे में धीरे धीरे कुकिंग से मन हटने लगता है। अगर आपका भी इन छोटी मोटी समस्याओं के चलते मन ऊब गया है और कुकिंग से इंटरेस्ट कम होने लगा है, तो यहाँ दिए गए टिप्स की मदद से आप मिनटों में निपटा सकते हैं अपने किचन के काम को। किचन से जुड़ी जरूरी टिप्स। पहला, सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए क्रीम की जगह फूल गोभी को स्टीम करके उसकी प्यूरी बनाकर मिलाएं। इससे डिश टेस्टी और हेल्दी बनती है। साथ ही इससे भोजन में एक्स्ट्रा फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। दूसरा, जब भी आप चावल बनाएं, उसमें एक चम्मच तेल और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला दें। इससे चावल एकदम खिला खिला बनेगा और चावल बिल्कुल भी आपस में चिपकेगा नहीं। तीसरा, आलू के पराठे की स्टफिंग में भुना जीरा, कसूरी मेथी और मैगी मसाला मिला लें। इससे आलू के पराठे का स्वाद डबल हो जाएगा। चौथा, केक का स्वाद और रंग बेहतर करने के लिए एक चम्मच चीनी को पानी में तब तक उबालें जब तक यह ब्राउन रंग की नहीं हो जाए। फिर इसे केक के बैटर में मिला लें। इससे केक का स्वाद और रंग दोनों बेहतर आएगा। पांचवा, कढ़ी बनाते समय अक्सर वह फट जाती है, तो उसे लगातार चलाते रहें और जब उसमें उबाल आ जाए तभी उसमें नमक मिलाएं। ऐसा करने से कढ़ी कभी भी नहीं फटती है। छठा, इडली या डोसा को क्रिस्पी बनाने के लिए उसके बैटर में एक चम्मच मेथी दाना डालें। इससे इडली या डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सातवां, क्रिस्पी पकौड़ों के लिए बेसन में थोड़ा दूध मिला लें। दूध डालने के बाद ही नमक मिलाएं। आठवां, अगर कम मीठी और गाढ़ी खीर खाना पसंद है तो चावल की खीर बनाते समय इसमें चुटकी भर नमक डाल दें और एक चम्मच मक्के का आटा मिला लें। इससे खीर बहुत ही टेस्टी लगेगी। नवा, प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए उसमें थोड़ी शक्कर डालकर भूनें। प्याज बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। दसवां, हरी सब्जियों का रंग बरकरार रखने के लिए सब्जी को पकाते समय दो चम्मच दूध और थोड़ी सी शक्कर डाल दें। हरी सब्जियों का रंग वैसे ही बरकरार रहेगा। ग्यारहवां, ग्रेवी में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते समय अदरक की मात्रा लहसुन से कम रखें। इससे ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिल रही हो, वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, ये टिप्स आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रहे हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।
लें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि आपको बहुत मदद मिल सके। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।